हेलो दोस्तों, फाइनली जो है कि नीड फेस सेकंड के जो करेक्शन विंडो है उसको ओपन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली जो है कि एनटीए ने रिलीज़ कर दिया है कि यदि आपके फॉर्म में जो है कि फेस सेकंड के फॉर्म में कोई भी गलती कोई भी गड़बड़ी हो चुकी है तो उसका लिंक दे दिया कि आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो कि neet.nta.nic.in पर विज़िट करना होगा। विज़िट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, कुछ इस प्रकार से टाइमिंग चलती होगी एंड यहाँ पर भी आपको टाइमिंग देखेगी। बट उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक न्यू कंस्ट्रक्शन देखेंगे, बट यहाँ पर एक 21 तारीख के अक्टूबर को ये रिलीज़ किया गया जिसको फिलिंग चॉइस इसमें है। तो ठीक है, इसमें करेक्शन की ये विंडोज फाइनली मैं यहाँ इसमें ओपन करता हूँ, इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड देखिए, ये डाउनलोड हो रहा है तो आपको भी डाउनलोड कर लेना एंड इसमें जितनी भी जानकारी है उसको यहाँ से ले लेना। ठीक है, इसमें करेक्शन कैसे करना, क्या सारी चीज़ें, इसमें करेक्शन की डेट कब से कब तक, सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखें, फर्स्ट एंड सेकंड फेस ऑफ ऑनलाइन, मतलब फर्स्ट और सेकंड फेस का आप ऑनलाइन करेक्शन यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आप करेक्शन कर सकते हैं, पहली बात तो ये, पहली बात तो देखिए, आपको ये 5 से 6 चीज़ें जो आप करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। एंड यहाँ पर आपको टाइमिंग कितनी दी गई, 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आप जो है कि 11:50 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं यदि आप कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है, इन चीज़ों में से कोई एक और इससे ज़्यादा कुछ भी आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो करेक्शन कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से मैं चलता हूँ बैक, देखिए मैंने बैक हो चुका हूँ और मैं आ चुका हूँ नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो उसके बाद देखिए, फाइनली आपको ये जो नीट यूजी 2021 फॉर्म करेक्शन फेस सेकंड, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा एंड यहां से अब आपको क्या करना होगा, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है आपको ध्यान देना है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड एंड ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है वो आपको इसमें इंटर करना, ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको इसमें इंटर करना एंड साइन के बटन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फाइनली आपको जो है कि आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको करेक्शन की विंडो शो होगी, उसमें जो आप करेक्शन करना चाहते हैं, जो जो वहाँ पर 5 से 6 से बताए गए तो वो करेक्शन कर सकते हैं।